नाजरीन अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं गुलाम नबी कुमार GNK उर्दू में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन कलमकार से मुलाकात में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं प्रोफेसर रफीउद्दीन साहब। प्रोफेसर रफीउद्दीन साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। प्रोफेसर रफीउद्दीन साहब ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी दुशंबे में विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। रफीउद्दीन साहब, आपसे सबसे पहले पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि आपका आबाई वतन कहाँ है और आपकी तालीम और तरबियत कहाँ हुई? मेरा आबाई वतन आज़मगढ़ में एक गांव है ज़मीन रसूलपुर, वहाँ पे मेरी वलादत हुई। इब्तदाई तालीम मैंने वहीं हासिल की, अपने गांव का मदरसा था मदरसतुन निजाह। उसके बाद मैंने जामतुल फलाह में सीनियर आलमियत किया। वहाँ से आलमियत के बाद मैं 96 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आया, बीए में मेरा दाखिला हुआ। उसके बाद बीए एमए पीएचडी यहीं से मुकम्मल किया। 2008 में मैंने पीएचडी मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद मैं यहीं पढ़ाने लगा जी। 10 साल तक टेम्परेरी रहा। उसके बाद 2016 में मेरा परमानेंट हुआ उर्दू एकेडमी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से जी। और इस वक्त मैं ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी दुशंबे में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ जी। सर, ये बताएं कि आपका अदबी, आपका कुछ ऐसा पस मंज़र रहा है, अदबी पस मंज़र? शुरू से मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ रहा है। मैं पढ़ता रहा, मदरसे में भी बहुत शौक़ था, लिखने का भी शौक़ था मजामीन, और मैं शुरू से इसमें दिलचस्पी लेता मतलब रहा। आपके जो वालदैन हैं या अपने रिश्ते उनकी कोई दिलचस्पी रही है? वो सब दूसरे फील्ड से थे, सभी थे पढ़े, सबने यहीं से, हमारे तमाम भाइयों ने यहीं से तालीम हासिल की। BMS किया, MD किया और इस्लामिक स्टडीज़ से किया। सब पढ़े थे लेकिन उर्दू अदब में नहीं कोई था। उर्दू अदब में हमारा पहला, हमारे ख़ानदान में हम सबसे पहले यहाँ थे। अच्छा, पहले फ़र्द हैं जो जो उर्दू में आए, और बाकी सब दूसरे कोर्सेज में गए, हम सिर्फ उर्दू की तरफ आए। अब हमारे बाद हमारे घर के 7-8 लोग इसमें आ गए, भतीजे हैं, बांजी है, और ये सब मतलब सब बाद आ में आपकी, आप, आपके आ, हमारे बाद सब लोग जो नई नस्ल है आपके खानदान की उर्दू जबान सब मुतवज्जे मुतवज्जे। और आप यहाँ, आपने बताया अभी कि 2008 में आपकी तकरीर हुई, 2008 में आपकी उर्दू जामिया एकेडमी में, जामिया उर्दू एकेडमी सबसे पहले मैंने 10 साल वहाँ पढ़ाया, +2 बॉयज़ में 10 साल तक। अच्छा, आप पहले वहाँ 10 साल तक पढ़ा चुके हैं। उसके बाद उर्दू एकेडमी में हमारा परमानेंट तकरीर हुआ 2016 में हुआ जी। बहुत अच्छी बात है सर, खुश होगी। और ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ उर्दू एकेडमी से वापस आ रहे हैं, वहाँ रसाइल भी निकलते हैं और फिक्र नज़र निकलता है, और यहाँ ज़ाहिर है कितने वर्ष आप यहाँ रहे? 25 साल तो 25 साल तालीम में कॉलेज में दिए और 15 साल आप यहाँ रहे तालीम में। 15 साल क्या मसरूफियात रही दर्स तदरीस के अलावा? इंतज़ामिया में मैं शुरू से रहा, जब से मैं टीचिंग में आया मुस्तकिल इंतज़ामिया में रहा। मैं 10 साल तकरीबन आफ्ताब हाल में वार्डन रहा, एक्टिंग पोस्ट रहा, हबीब हाल में रहा, वहाँ भी ऐसे ही रहा, मैगजीन का निगरा रहा। किस मैगजीन का? आफ्ताब मैगजीन थी, उसका निगरान रहा। जो हाल से निकलता हाल से हबीब हाल की मैगजीन थी, उसका निगरान रहा। कम से कम मैंने 8 मैगजीन निकलवाई होंगी, आफ्ताब की और 2 हबीब हाल की मैगजीन, उसकी निगरानी रहता था। हाँ, जेर निगरानी वो हुई मेरे, उनका वो हॉस्टल, वो जो हाल के एतबार से, हाँ वो हाल के एतबार से उनका नाम भी रहता था। जैसे आफ्ताब के तो आफ्ताब के, हाँ आफ्ताब के नाम से, हबीब के मोहम्मद हबीब के नाम से, इस तरह से हाल के अतबार से होता। फिर मैं अलीगढ़ मैगजीन का जो यहाँ से निकलती थी डिपार्टमेंट से, उसका एडिटोरियल बोर्ड मेंबर में था असगर अब्बास, उसमें तो उसकी वक्त क्या है अलीगढ़ मैगजीन? वो हर साल एक बार सालाना बचता है। वो किस नौ के मजामी छपते हैं? उर्दू अदब के बारे में तहकीक है, तनकीद है, शायरी की भी है, शायरी की सभी मौजूदात पर निकलता है। सर, आप इस वक्त ताजिकिस्तान में ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी दुशंबे में विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, यकीनन आप वहाँ रिसर्च भी करा रहे होंगे? वहाँ रिसर्च तो नहीं, एमफिल होता है। अच्छा, एमफिल का
ग्रेजुएशन होता है, फिर मास्टर होता है, फिर ये एमफिल। कितने बच्चे इस वक्त वहाँ ज़ेर तालीम है उर्दू में? 22 बच्चे तो ग्रेजुएशन में है जी, और 18 पोस्ट ग्रेजुएशन जी, और उसमें है एमफिल में डिप्लोमा में जो करते हैं जी, उसमें 13 उर्दू और 13 हिंदी में। एमफिल में कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त? 13 उर्दू 13 हिंदी में एमफिल में। और वहाँ तदरीसी अमला के किस? वहाँ 9 का स्टाफ है, हम लोग 9 का स्टाफ हैं, सब हिंदी डिपार्टमेंट एक है, उर्दू हिंदी दोनों का एक है, वो सब जानते हैं दोनों, सब लोग जानते हैं उर्दू, ज़्यादातर यहीं से पढ़ के गए। वो यहीं से पढ़ के गए, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा, आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा, दिल्ली से पढ़ के, ज़्यादातर जो हमारे टीचिंग स्टाफ वो हिंदुस्तान से पढ़ के गए। किस नौत के मजामी बच्चों को जो एम फिल वहाँ से कर रहे हैं, किस नौत के मजामी आप उनको देते हैं? उनको देते हैं हिंदुस्तानी जो समाज है, कल्चर है, किसी एक का उपन्यास दे दिया जी, किसी एक का नावल दे दिया जी, किसको लिखिए वो अपनी जबान में, ताजिकी जबान में लिखते हैं जी, कहानी यहाँ की रहती है, इसको तर्जुमा करके समझ करके वो अपनी जबान में लिखते हैं, ताजिक जबान, ताजिक जबान में वो लिखते हैं। तो वहाँ जो एम फिल कर रहे हैं रिसर्च, वो थीसिस आप इवैल्यूएट के लिए किनको भेजते हैं? वहाँ के मुकामी लोग करते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी के, वहाँ की जबान जाते हैं, जाहिर है कि यहाँ से आप तर्जुमा करवा रहे हैं, वहाँ रिसर्च कर उस ताजिक जबान में, तो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो इस एक्सपर्ट हैं, वही लोग करते हैं, वो उसकी को इवैल्यूएट करते हैं, वही लोग करते हैं जी। सर जानना चाहेंगे ताजिकिस्तान में उर्दू जबान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, वहाँ शायरी उर्दू में शायरी करने वाले कितने लोग हैं, कितना तबका है, मतलब तहकीक तनकीद, मतलब उर्दू ज़बान जानने वाले हर फील्ड में तहकीक तनकीद शायरी सहाफत वगैरह, देखिए सूरत हाल है। असल उनका तो ये है कि डिपार्टमेंट जो उनको तालिब इल्म को तैयार करता है, बोलने का ढंग सिखाता है, लिखने का ढंग सिखाता है, पढ़ने का ढंग सिखाता है, ताकि वो इसमें माहिर हो जाएंगे। जब वो बीए कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं जी, जब इतनी सलाहियत हो जाती है, तब उनको कोई टॉपिक दिया जाता है कि उस पर काम करें, फिर वो उस पर काम करते हैं अपने मौजू पे। जैसे बिस्मिल्लाह साहब के नावल है जीनी जीनी बिन चदरिया, काम किया जी, समाजी हालात उसके क्या थे, माशी हालात क्या थे, क्या थे, और जैसे अल्लामा इकबाल पे किया, उनकी ज़िंदगी पे किया, ऐसे गालिब पे किया जी, तो वो अपना कोई मजमून ले लेते हैं, या कोई गज़ल उनको दे दी गई कि यहाँ से यहाँ तक उसके बारे में लिखिए, उसमें क्या बताया गया उस तरह से, हाँ, क्योंकि वो मुकम्मल एक्सपर्ट तो नहीं है, वो अहले ज़बान तो नहीं है, अहले ज़बान नहीं है, तो उनको उतना कर लें, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी फ़ौरन नौकरी लग जाती है, जितने लोग करते हैं सबकी लग जाती है, सब कहीं ना कहीं ट्रांसलेटर हो जाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि उर्दू वाले बैरुल मुल्क में जाकर उर्दू को फ़रोग दे रहे हैं, उर्दू ज़बान की तरक्की तरवीज के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। सर जानना चाहेंगे कि आपने आपकी तहरीक तनकीदी खदमात भी रही होंगी, जाहिर है आपके जो मजामीन है मुख्तलिफ रसायल जराइद में वक्तन फ़वक्तन पढ़ने को मिल जाते हैं, तो इस हवाले से बताएं कि आपकी कोई किताब भी, क्या आपकी कोई किताब भी शाया हुई है? किताब तो नहीं, रिसाले हमारे, रिसालों में मजामीन हमारे जी 16 के करीब मजामीन हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे 16 शाया हो चुके हैं। अब आपकी दिलचस्पी किस चीज की तरफ? नसर की तरफ है हमारी दिलचस्पी, नसर की तरफ, खास तौर पे हमारा जो मौजू रहा खाके की तरफ, उर्दू अदब में खाका निगाह, खाका निगाह के बारे में, उनसे हमारे लिखे आपने उनवानात क्या रहे? वैसे मंटू पे लिखे, तुफैल अहमद पे लिखे, रशीद अहमद सिद्दीकी के भी लिखे हैं, ये सब जो बड़ी बड़ी शख्सियात थी उनके बारे में, नकुश नंबर जिन्होंने, खाका नंबर, रसूल नंबर है, मंटो नंबर, बहुत सारी चीजें निकाल है। आपको खाके से दिलचस्पी हमारी ज्यादा है, और किन हजरात पे लिखे हैं? रशीद साहब पे है, मंटो साहब पे है। सर ये बताएंगे ताजिकिस्तान में उर्दू में रिसर्च करने के तरीकेकार क्या है? तरीक़ेकार देखिए, यहाँ जैसा उस तरह से तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अहले ज़बान नहीं है जी। तो उनको कराने के ये तरीका होता है कि कोई एक मौजू दे दिया गया और किताबें उनको दे दी गई जी, कि आप उसको पढ़िए, फिर उनको बता दिया था कि ये सब हेडिंग रहेंगी,
आप इस हिसाब से 150 पेज में आप लिख दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, 150 पेज जी, 150 पेज में अपना जो मौजू दिया है उसको कंक्लूड करिए, और फिर उसके बाद उसका वायवा होता है इज्तमाही तौर पे, पूरा डिपार्टमेंट होता है, डीन होता है और दूसरी फैकल्टी के लोग आते हैं, और उससे पहले से पता होता है कि सब लोग पूछें, वहाँ तालिबे इल्म भी मौजूद होते हैं, सबको सवाल करना है उस टॉपिक पे, हर आदमी पूछेगा, तो इसलिए वो जहनी तौर पे तैयार होते हैं। सर ये बताएं कि यहाँ तो आपको आप देखते ही रहते हैं कि मतलब सेमिनार होते हैं, मुशायरे होते हैं और भी बहुत सारी अदबी तकरीबात मुनक़द की जाती हैं, तो उर्दू का तो पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो ऐसे ममालिक हैं जहाँ उर्दू ज़बान जानने वाले लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है, तो उर्दू ज़बान हम दूसरे मुल्कों में भी फले फूले, ये भी हमारी कोशिश रहती है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं दूसरे मुल्कों में जो उर्दू ज़बान को फ़रोग दे रहे हैं, अदबी तकरीबात का इनेकाद करते रहते हैं, जो ज़रूरी भी है कि वहाँ के लोगों को जहनों की आबियारी हो, तो वहाँ इस हवाले से कुछ काम हो रहा है, अरबी तकरीबात मुनक़द करते हैं आप अपने शोबे में या दूसरी जगहों पे ताकि लोग आएँ शमूलियत करें? एम्बेसी के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जी, हिंदुस्तानी एम्बेसी जो है जी, बहुत प्रोग्राम होते हैं, 5 स्टडी सेंटर उसके उर्दू हिंदी के बड़े बड़े सेंटर हैं जी, कम से कम साल में 20 प्रोग्राम होते हैं उर्दू के, हिंदी के सेमिनार हैं, बच्चों के प्रोग्राम हैं जी, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश, उनसे मज़ामीन लिखवाए जाते हैं बच्चों से, टीचर्स भी रहते हैं उनकी दुरुस्त करते हैं, तो कम से कम बहुत से मज़ा वो हो जाते हैं सेमिनार, साइंस फैकल्टी में रहते हैं, मुशायरे नहीं हो पाते लेकिन सेमिनार होते हैं। आप बताइए कि वहाँ जो आपके साथ तदरीसी अमला है उर्दू हिंदी का, आपने बताया मुश्तरक है, क्या वहाँ लिखते हैं लोग मज़ामीन, लिखते हैं शायरी करते हैं, किसी की दिलचस्पी है इस जाने? मज़ामीन खूब लिखते हैं जी, क्योंकि हमारे हेड जो हैं उनकी कम से कम 8 किताबें उर्दू में, 8 किताबें उर्दू में, और जो सीनियर प्रोफेसर प्रोफेसर रजब हैं वो पद्मश्री गवर्नमेंट हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड दिया उनको, फैज़ पे उनका काम है, और उनको प्रेमचंद पे काम है, खूब काम किया उन्होंने, काम किया है उनकी, कम से कम 50 किताबें होंगी हिंदी में, बहुत पढ़ते लिखते हैं, बड़ा काम है, बड़ी खिदमत है। उन्होंने डिपार्टमेंट कायम किया था प्रोफेसर राजीव ने, तब से मुसलसल आगे बढ़ रहा है। अच्छा ये तो हुई डिपार्टमेंट की बात, डिपार्टमेंट के असातिज़ा की बात, जो बाहर है ताजिक लोग हैं उनमें आप कितनी दिलचस्पी पाते हैं उर्दू ज़बान के ताल्लुक से? सबसे पहले अगर वो हिंदुस्तानी जान जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि हिंदुस्तानी, कोशिश करते हैं वो हिंदी में बोलने की, उर्दू में बोलने की कोशिश करते हैं कि हमारी ही ज़बान में बोलें, और कोई हिंदुस्तानी पहुंच जाता है उसकी बहुत इज्जत करते हैं। सर आप यहाँ 15-25 साल आपने हिंदुस्तान में गुजारे हैं दरस व तदरीस के पेशे से, जो आपकी वाबस्तगी 25 साल तकरीबन, तो ये जानना चाहेंगे अलीगढ़ का, अलीगढ़ में आपने बहुत वक्त गुजारा है, आपके मुआसरीन क्या, कौन कौन से मुआसरीन रहे हैं उर्दू अदब की फील्ड से जो वाबस्तगी? हमारे सब साथी अभी क्योंकि उधर थे फिर इधर आए, आफ्ताब हमारे साथ छोटे हैं लेकिन आफ्ताब हैं, मुश्ताक सदब साहब हैं, ज़ुबैर भाई हैं, ज़ुबैर शादाब साहब, हाँ, और शारिक हैं, मामून हैं, ये सब जी, ये आपके मुआसरीन हैं, छोटे हैं लेकिन साथ रहते हैं, तो मुआसरीन जी, मुआसरीन ही वे, और लिख भी पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। आपके असातिज़ा आप किसको अपना आइडियल मानते हैं उर्दू अदब में? हाशिम सर को हमने हमेशा आइडियल, सैयद मोहम्मद हाशिम साहब, प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हाशिम साहब, क्योंकि उन्होंने अदबी भी तरबियत की हमारी जी, और बहसीत एज ए वालिद की तरह भी उन्होंने हमारी सरपरस्त की, आप उनको अपना आइडियल मानते हैं क्योंकि आपकी उन्होंने बहुत रहनुमाई की, बहुत हर मामले में रहनुमाई की। तो ये जानना चाहेंगे आपकी तहकीकी मकाले का मौजू क्या रहा है? हमारे तहकीकी मकाले का मौजू था उर्दू अदब में खाका निगारी 1947 के बाद। नहीं शायद नहीं किया लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें फिर हमने असलों फिर से लिखी रिसालों में, इरादा है लेकिन अभी फिलहाल वो शायद नहीं हुआ है, करेंगे इंशाल्लाह। मौजूदा नस्ल है जो उर्दू में लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? पैगाम ये है कि हम ये चाहेंगे
کہ زیادہ سے زیادہ اردو کو فروغ ملے. فروغ ملے اردو کو فروغ ملا. اردو صرف زبان کا نام نہیں, وہ تربیت بھی اس کے ساتھ کرتی. جی ضرور ہے, تربیت سکھاتی, زندگی کا سلیقہ سکھاتی, بات چیت کا سلیقہ سکھاتی, اس سے انسان بنتا ہے. چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اردو زبان کی طرف آئیں, اور ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے جو خاص کر جو اردو زبان سے وابستہ ہیں, ہمارے بزرگ ان کو چاہیے کہ بچوں کو بھی اردو زبان میں تعلیم دیں, تاکہ اردو زبان کو فروغ ملے اور ان کا جو اثاثہ ہے وہ بھی محفوظ رہ سکے اور آگے کی نسل تک وہ منتقل ہوتا رہے. ہمارا پورا اثاثہ تو اسی میں ہے, اردو میں مذہبی اثاثہ ہے جو ہماری خود اساس ہے. مذہبی اساس ہے, ہماری سب سے بڑی کتاب قرآن پاک وہ بھی اردو میں ہے, اس کا ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے. بہت اس طرح خدمت ہو رہی ہے اردو زبان کی, اردو زبان بہت خدمت سے اردو زبان انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. سب سے بڑی انسانیت کی خدمت, انسانیت کی خدمت. ایک بہت بڑا شعبہ, بہت بڑا طبقہ ہے جو اردو زبان سے منسلک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ یہاں جامعہ اردو علی گڑھ میں آپ نے بہت وقت, بہت عرصہ گزارا, آپ فکر و نظر کے جوائنٹ ایڈیٹر رہے ہیں. ہمارے سامنے اس وقت فکر و نظر کے کچھ شمارے ہیں جن جو آپ کی ادارت میں شائع ہوئے ہیں. تو فکر و نظر کا یہ سہما ہی رسالہ ہے. Yes. ناظرین, یہ وہ رسالے ہیں جو رفیع الدین, پروفیسر رفیع الدین صاحب کی ادارت میں شائع ہوئے ہیں. آپ کو ان کے سرور دکھاتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں یہ فکر و نظر کے وہ شمارے ہیں جو رفیع الدین صاحب کی ادارت میں شائع ہوئے ہیں. فکر و نظر علی گڑھ سے نکلتا ہے اور یہ سہمائی رسالہ ہے, اس کا ایس ایس این نمبر ہے اور یہ تاحال جاری و ساری ہے. یہ دیکھیے, اور آنے والا جو شمارہ ہوگا وہ مشتاق احمد یوسفی پر مشتمل ہوگا. تو جو رفیع الدین صاحب خود بتائیں گے کہ ان کی جو انہوں نے چار سال تک فکر و نظر کی ادارت میں فکر و نظر چار سال تک شائع ہوتا رہا ہے, یہ خود بتائیں گے کہ ان کے زیر ادارت کون سے خصوصی شمارے اور کتنے خصوصی شمارے شائع ہوئے. سر آپ بتائیں. سر سید نمبر, دیکھیے ہر سال شائع ہوا ہے, سر سید نمبر زخیم شائع ہوتا ہے. مطلب آپ سر سید نمبر ہر سال شائع کرتے ہیں سر سید یوم ولادت کے موقع پر. ہر سال یہ شائع ہوتا ہے, زخیم ہوتا ہے. جی, ان میں سر سید کے جتنے گوشے ہیں سب پر محیط ہوتا ہے. تمام چیزیں ان کی ذکر ہوتی ہے, پیدائش سے لے کے کیا کیا کام کیا ہے, کون کون سی کتابیں ہیں, ان کے کیا فکر تھی, کیا چاہتے تھے لوگوں سے یونیورسٹی کے لیے, کیا کیا تمام چیزیں. مشتاق یوسفی نمبر اب آ رہا ہے تازہ, اس سے پہلے انہوں نے کئی رسالے, ہر سال کم سے کم کچھ نہ کچھ ضرور رہنا ہے, نمبر آتا ہے, کوئی نمبر شائع ہوتا رہا ہوگا ضرور. آپ کو اس کو یاد نہیں آ رہا ہے. سر آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. وقت کی تنگ دامنی کے سبب ساری باتیں نہیں ہو سکی, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کبھی زحمت دیں گے تو اور بھی بہت ساری باتیں آپ کی زندگی اور ادبی سفر سے متعلق اپنے ناظرین کو جانکاری ان کی فراہم کریں گے. اور یقیناً تب تک آپ کی کتاب بھی شائع ہوگی انشاءاللہ, اور آپ کی خدمات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. جی ناظرین, آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے پروفیسر رفیع الدین صاحب سے. ناظرین, وقت کی تنگ دامنی کے سبب ہمیں اجازت لینی پڑ رہی ہے, لیکن یہ کہتے ہوئے کہ آئندہ ہم کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کو روبرو کرائیں گے, لیکن تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.